मैंने दीदी। गुड मॉर्निंग सर। अरे रंगनाथन आओ आओ भाई आओ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। अरे बैठो बैठो। थैंक यू। कल से कब आए? बस कल आया। गुड। अब मुंबई में रहोगे या फिर वापस जाने का इरादा है? नहीं अब तो यहीं पर रहूंगा, गल्फ में नौकरी करने का चाम नहीं रहा। थैंक यू सर। वैसे भी सर से एक साल की छुट्टी लेकर गया था और एक साल खत्म होने से पहले आ गया। भाई रंगनाथन हमने तुमको बहुत मिस किया, दिल्ली में एक डील की सनशाइन की। अगर ये मेरे साथ होता ना तो मैं ये सारे जमेने से यूं चुटकी बजा के निकल जाता। वाकई रंगनाथन, दिल्ली में हमारे सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। वहां भी डोगरा हमारा राइवल होगा। और कौन हो सकता है? सारा जोंक की तरह ऐसा चिपका हुआ है हमारे साथ, ऐसा चिपका हुआ है, बात मत पूछो। सर आप इस जोंक से छुटकारा पाने का कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढते? अब तुम आ गए हो, ढूंढना, इसकी इजाजत हम तुम्हें देते हैं। अरे रंगनाथन, तुम्हारी एक बहन थी ना, क्या नाम था उसका? जी सीमा। हाँ। जिसे अमेरिका जाने के लिए सर ने स्पॉन्सर किया था। अरे भाई उसको रहने दो, ये बताओ कि करती क्या आजकल? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, काफी खुश है। शादी नहीं हुई उसकी? जी अभी नहीं, लड़का ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई लड़के को हाँ करने से पहले अपनी बहन से एक बार उसकी रजामंदी जरूर पूछ लेना, ये आजकल के बच्चे हैं कहीं दिल लगा बैठे हो क्या मालूम। जी पूछ लूंगा। रंगनाथन तुम आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर लो, वही जगह पर हमने आज तक किसी को नहीं रखा है, तो वही जगह खाली है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके मैडम। कुछ लोगे नहीं? नो थैंक यू, मैं खा के आया। थैंक यू, बाय बाय। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। चाय ले आए मालिक। इतनी देर से चाय लाए हो तुम? मालिक जल्दी जल्दी बनाकर जल्दी लाए। अच्छा डालो। हेलो सीमा। ओ हेलो भैया। आज मैं सचदेवा साहब के यहाँ गया था, वहाँ बुआ से मुलाकात हुई, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। कैसी हैं वो? अच्छी, और लगे हाथों मैंने अपनी जॉब की बात भी कर ली। फिर क्या, उन्होंने कहा कि फॉरन ज्वाइन कर लो। क्या कह रहे हो भैया? हाँ और क्या, कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने मेरी जगह किसी और को रखा भी नहीं था। तो इसका मतलब आपकी किस्मत आज आपका साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि ऑफिस ज्वाइन कर लो और मैंने आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो इससे ये साबित हुआ भैया कि अगर आप किसी लंबी छुट्टी पर गए और वापस आकर दोबारा सचदेवा इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करना चाहा तो कर सकते हैं। इससे ये साबित हुआ कि मुझसे ज्यादा सचदेवा इंडस्ट्रीज को मेरी जरूरत है। तुम तो जानती हो ना सीमा के, रंगनाथन ने हमेशा दूसरों में अपना वसा बनाए रखा है। लोग उसकी कंपनी को तरसते हैं, और मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब राज साहब को पता चलेगा तो उनका क्या होगा। तो क्या आज राज ऑफिस में आए थे? नहीं ऑफिस तो आए थे, लेकिन वो मीटिंग्स में बहुत ज्यादा बिजी थे। इसका मतलब अब फिर से आपकी उनकी रातों की बैठकें दोबारा शुरू हो जाएंगी। वो शराब पीने के लिए उन्हें भी कंपनी चाहिए और मुझे भी कंपनी चाहिए। अब कल हम दोनों जरूर मिल बैठेंगे। अच्छा सीमा, गुड नाइट। गुड नाइट। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। कहाँ है मेरा घर? भाई मुझे क्या पता कि तुम्हारा घर कहाँ है? इतना पीती क्यों हो कि अपने घर का पता याद नहीं तुम्हें? पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन पी के गिरना बहुत बुरी बात है। गिरे हुए लोगों पर लोग हंसते जरूर हैं, लेकिन उन्हें कोई सहारा नहीं देता है, समझी? देखो तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, मैं कई बार गिरकर उठ चुकी हूँ, आज तक मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। कदम तो तुम्हारे जमीन पर टिक नहीं रहे हैं और बकवास किए जा रही हो। अगर वो लोग तुम्हारी इज्जत लूट लेते तब तुम क्या करती? जानती हो औरत की दौलत रुपए पैसे नहीं, उसकी इज्जत होती है। जिस औरत की इज्जत चली जाए तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती है, उसका जमीर उसे जीते जी मार डालता है। मार डाल।
चलो यार, आखिर जी के पाए भी क्या है। एए, लेकिन तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, जानो ना मुझे। यही तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ जाओगी तुम। गई, जहाँ से तुम्हें खींच कर लाए हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी हाँ? चलो मेरे साथ, कहाँ रहती हो बताओ मुझे। नहीं। चलो मेरे साथ, तुम कहाँ रहती हो बताओ, चलो। लड़की है या मुसीबत। ये लो, आ गया तुम्हारा घर। चुपचाप घर के अंदर जाओ, समझी? बाय बाय। ओह भैया, आप कहां से आ रही है तुम? और इस लड़के को कब से जानती है? कौन? ओ वो मेरा दोस्त है। दोस्त? वो तेरा दोस्त कब से बन गया? कब से जानती है तू उसे? चल अंदर, अंदर चल। भैया बोर मत करो भैया, आप जब देर से आते हैं मैं आपको कुछ बोलती हूँ? जबान दराजी मत कर रूपी, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब दे, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। आप मेरा मुंह क्यों तोड़ेंगे? मैं आपका खाती हूँ। कहावत, आप दादागिरी करते रहते हो। अपनी जबान बंद कर रूपी। नहीं करूंगी। क्या कर लोगे आप? मैं तेरी इस बदतमीजी के लिए तुझे जान से मार सकता हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, समझी? आप मुझे मारोगे? आप मुझे पार कर तो बताइए, अगर आप मुझे मारोगे तो मैं भी आपको मारूंगी। रूपी, बेशरम, बेहया, लाज शर्म बेच कर खा गई है क्या? अरे भाई से बात करने का ये तरीका? बाप दिल्ली से मौत के मुंह से बचकर आया है भाई, मौत के मुंह से बचकर आया है, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। जितनी तुम्हारे साथ हम हमदर्दी जताते हैं उतनी तुम्हारी हरकत घटिया है। बेशरम, चल राज, चल, रोने दे इसे, चल यहां से, चल यहां से। तुम जो भी करो तुम्हें कुछ ना कहा जाए, यही चाहती हो ना तुम? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे बाप को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है, वरना वो तुम्हें काट कर फेंक देता। ओके, तो काट कर फेंक डालिए मुझे। बता दीजिए उन्हें कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, बाहर आवारागर्दी करती हूँ। रूबी, कह दूंगी, अगर पानी सर से ऊंचा उठ गया तो कह भी दूंगी, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। बुआ, मुझे मेरी परवाह नहीं है, और प्लीज आप मेरी फिक्र मत कीजिए। जितना हो सके ना आप मेरे बाप के जाके कान भरिए, बताइए उन्हें मैं बाहर क्या करती हूँ, लेकिन प्लीज आपके ये भाषण और ये उपदेश ना अपने पास रखिए, मुझे मत सुनाइए, प्लीज फॉर हेवन सेक। रूबी, रूबी, इसके साथ गुस्से से नहीं, हमें प्यार से पेश आना होगा। हाँ। हेलो मिस्टर राज सचदेवा, मेरा नाम प्रकाश रावण है, प्रकाश रावण। देखो मिस्टर, बाहर मेरा स्टाफ मौजूद है और उन्हें तनख्वाह सिर्फ इस बात की मिलती है कि वो मेरा सारा काम करें और मुझसे मिलने आए लोगों को मेरी इजाजत से अंदर भेजें। मेरे ख्याल में मैं आपके लिए अजनबी तब था जब मैं पहली बार आपके दफ्तर में आया, लेकिन गालिबन दो मुलाकात के बाद तो हमें अपने इस अजनबीपन की दीवार को खुद ही तोड़ देनी चाहिए। वैसे आपका क्या ख्याल है मिस्टर राज सचदेवा? मेरा ख्याल, जो लोग मासूम नस्लों की रगों में जहर भरते हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं, उनके साथ अजनबियत बरतना ही बेहतर है। Do you understand that? You may go now, please. Excuse me. आपका यह इशारा किसकी तरफ था? Of course, आपकी तरफ, मिस्टर, आपकी तरफ। Oh. So you mean to say कि मैं एक ड्रग पेडलर हूँ, ड्रग्स की तिजारत करता हूँ? जी हाँ। और ऐसा किसने कह दिया आपसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है आपने? हाँ? क्या देखा है आपने? मुझे
ड्रग्स बेचते हुए देखा है आपने? नहीं, मैंने आपको एक ड्रग्स लेने वाली लड़की के साथ देखा है। आई सी, आप शायद परसों रात की बात कर रहे हैं। राइट, 10th रोड जुहू पर एक बंगले के अंदर मैंने एक लड़की को ड्रॉप किया था। वैसे वो लड़की आपकी क्या लगती है? वो लड़की मेरी बहन है मिस्टर, मेरी बहन है। Do you understand that? Okay, all right. धीरे धीरे काफी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बहन को मैं ड्रग्स दे रहा हूं? Yes, yes. मिस्टर राज सचदेवा, ड्रग्स देने वाला या तो एक फरिश्ता होता है या घिनौना शैतान। और मैं ना फरिश्ता हूं ना ही शैतान। मैं तो एक इंसान, इंसान गुंडों से, बदमाशों से, किसी निहत्ती लड़की को बचाने वाले को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इंसान ही कहेंगे ना आप। उस रात मैंने आपकी बहन को उन गुंडों के हाथों से बचाया जो आपकी बहन की इज्जत को तार तार करने वाले थे। जी हाँ राज सचदेवा, अगर मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचता ना, तो वो कमीने आपकी बहन की इज्जत के दामन पर अपने कमीनेपन की मोहर लगा चुके होते। नहीं। और तब आप मुझसे यूं बात नहीं करते, बल्कि अपने ऑफिस के शटर को गिराकर अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाते। आंसू? सुनिए, सुनिए। जी हाँ साहब, जी जी हाँ, शाम को ड्रिंक पर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। सीमा, ये तुमने राज साहब के बारे में क्या सोचा है? देखो, अब भी मौका है। माना कि अमेरिका में तुम्हें उनके करीब जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन यह मौका अच्छा है। ऑफिस में अकेले होते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। तुम उनके घर जाकर बुआ के दिल में अपने लिए जगह बना सकती हो। तुम बुआ को जानती हो, रूबी को जानती हो। उस घर में कौन है जिसे तुम नहीं जानती हो? बस एक बार तुम उस खानदान की बहू बन गई तो करोड़ों में खेलोगी। आज मैं उस कंपनी का नौकर हूं और कल उस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। भैया, फॉर हेवन सेक, सपने देखना छोड़ दीजिए। वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। फिर वही लफड़ा, फिर वही लफड़ा। यही तो लफड़ा इन पढ़ी लिखी लड़कियों का। समझती कुछ नहीं, बस फिलॉसफी जानती रहती है। अरे मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारा। समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो जहन्नुम में जाओ, जाओ जहन्नुम में। दिमाग खराब कर दिया मेरा। वीर प्रताप, रूबी के लिए तुम्हें और मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसे हमें प्यार से पेश आना होगा, गुस्से से नहीं। हमें उसका गाइड, हमें उसका दोस्त बनना होगा। हिम्मत से काम लो वीर प्रताप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो एक औरत हूं, लेकिन तुम एक मर्द हो, रूबी के बाप भी। दीदी, मर्द दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अपने घर और अपने औलाद के सामने हार जाता है। हिम्मत का दामन मत छोड़ना मेरे भाई। मैं और तुम रूबी के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, कुछ भी। बेशक। रंगनाथन, आज तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने की खुशी में हम लोग आके यहाँ बैठे। थैंक यू रासा। रंगनाथन, तुमने एक लंबा अरसा गल्फ में गुजार दिया। अरे कहाँ रासा,
मैं तो अपनी छुट्टियां खत्म होने से पहले यहाँ आ गया। हाँ, चूंकि मैं बहुत काम कर लेता था ना यहाँ पर, सो आई थिंक एवरीबॉडी वाज मिसिंग मी। कल सुबह सचदेवा साहब और मैडम भी यही बोल रही थी। चीयर्स। चीयर्स। हाँ रसा, वो उस लड़की का क्या हाल है? किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? ओ मैं तो भूल ही गया था कि आपकी जिंदगी में लड़कियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि मैं रंगनाथन किस लड़की से आपको मिलवाया था। मैं उस चांदनी की बात कर रहा था। चांदनी की? हाँ, चांदनी, जिसे मैंने कुछ रुपयों के आवेश में आपसे मिलवाया था। अब उसके और मेरे बीच रुपयों का रिश्ता नहीं रहा रंगनाथ। मतलब तो क्या चांदनी अभी तक आपके साथ है? कमाल करते हैं राज साहब आप भी। अरे जिस लड़की को आपको 2-3 मीटिंग्स के बाद छोड़ देना चाहिए था, उसे आपने अभी तक अपने गले में बांध रखा है। रंगनाथन, वो 2-3 मीटिंग्स वाली लड़की नहीं है। तो मैं उससे शादी करने वाला हूं। क्या चांदनी सचदेवा परिवार की बहू बनेगी? हाँ, क्यों, इसमें बुराई क्या है? राज साहब, जिस तरह आपने उसे फांसने के लिए आप गए थे उसके पास, उसी तरह वो भी आपको फांसने के लिए आपसे मिली थी। लेकिन अब हम बहुत जल्द पति पत्नी बनने वाले हैं। और हाँ रंगनाथन, जो बात आज हमारे और तुम्हारे बीच हुई है, उसे फिर किसी के सामने मत दोहराना, ना मेरे परिवार वालों के सामने और ना मेरे सामने। अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर। चीयर्स। अब चीयर्स। ओके। खुश हो जा, खुश खुश हो जा, हंस, कहे कहे लगा कहे कहे, असली घी के चिराग जला घर के चारों तरफ। अब क्या हो गया भैया, नशे में कुछ भी अनशन बकते हो। मैं नशे में हूं? मैं अनशन बक रहा हूं मैं? अरे तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तूने हाथ में आए करोड़ों के मुर्गे को अपनी बेवकूफी से गवा दिया है। मुर्गा कौन? उसका नाम है राज। राज, अब उसकी शादी हो रही है, शादी, और उस लड़के से शादी हो रही है जिसे मैंने राज के पास भेजा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ऐसा ही हो रहा है। ये तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तुझे क्यों परेशानी हो रही है? तुझे नहीं अफसोस होना चाहिए, क्योंकि राज तेरा मकसद नहीं था, तेरा इंटरेस्ट नहीं था राज में। क्या इंटरेस्ट था राज में? कुछ भी नहीं। फिर ये तेरे माथे पे पसीने की बूंदे क्यों आ रही है? ये तेरी आंखें गुस्से से लाल लाल क्यों हो रही हैं? हैं? अब प्लीज चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। नो नो, राज, तुम दबी हुई चिंगारी को हवा दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए आग बन जाएगी। उसमें न सिर्फ तुम जलोगे बल्कि